हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हम आपको क्लास टेंथ का चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, जो कि अभी आईएमपी क्वेश्चन सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है गाइस, तो इसलिए शुरू से लेके अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी विथ बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर, देन एंगल एबीसी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, देन कंस्ट्रक्ट है ये बेटा, कंस्ट्रक्ट है, ये थोड़ा मिसिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। बच्चों, मैंने अभी तक आप लोगों को जस्टिफिकेशन बताया था, तो मैं अपने अलग तरीके से बता रहा था, एक नया तरीका और है जस्टिफिकेशन को प्रूव करने का। तो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जस्टिफिकेशन पसंद आता है। ठीक है, जो नया बताऊंगा वो आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पुराना भी सीख रहे थे वो शायद ही आप कुछ कुछ पे कर सकते हैं, तो कुछ कुछ पे नहीं, क्योंकि थोड़े मेथड से सवाल के चेंज हो जाते हैं, तो इसी रीजन से आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो जो नया वाला बता रहा हूँ वो आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है हमारा ए बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, इस पर 60 डिग्री का ट्रायंगल को ही बनाना है। ठीक है, मतलब एक एंगल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी सी 6 सेंटीमीटर ही खींच लेते हैं लाइन। इसमें थोड़ा स्पेस की आवश्यकता होगी, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना के चलें, है ना। तो यहाँ हम बना लेते हैं जी, देखिए जी मैं खींच रहा हूँ बच्चों 6 सेंटीमीटर की एक लाइन। चलिए, 6 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, जिसका नाम मैं दे देता हूँ बी, और इस पॉइंट को दे देता हूँ बेटा सी। गॉट इट। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें ए बी 5 सेंटीमीटर बनाना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं हमें एक एंगल बनाना है 60 डिग्री का। तो पहले बेटा हम एंगल ले लेते हैं, तो अपने मन से एक चाप लगा लेते हैं। आपको मैंने सिखाया है कि एंगल कैसे बनाते हैं, तो देखिए अपने एक मन से मैंने एक चाप ले लिया है। ठीक है, इतना बड़ा ले लेता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो एक चाप हमने क्या करा, एक यहाँ पे खींचा, देखिए बच्चों दिख रहा है ना आपको। ठीक है, इसको बिना हिलाए इसको इस छोर पे रखिए, मतलब यहाँ पर रखिए इस पॉइंट पे, उतना ही एक यहाँ काट दीजिए बेटा। यहाँ कट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, इस बी पॉइंट को एक्सटेंड करना है इस पॉइंट से होते हुए। ठीक है, क्या करना है, बी पॉइंट को एक्सटेंड करना है इस पॉइंट से होते हुए। और जी मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बेटा समझाया था कि 60 डिग्री का एंगल हम इस तरीके से कैसे प्रिपेयर करते हैं ना, तो आई थिंक आप लोगों को मेरे से आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ और पूछने की। ठीक है, चलिए, तो जी हमने खींच दी लाइन। अब बेटा यहाँ पे हमें ए बी बोला गया है 5 सेंटीमीटर, तो बेटा ए बी हम 5 सेंटीमीटर की ले लेते हैं, है ना, आर्क ले लेते हैं, नाप लेते हैं स्केल से। ये देखिए, ये लीजिए और रही ले लीजिए, चलिए ठीक है, ले ली हमने। अब इसको क्या करें बेटा, बी पे बी को सेंटर मान के एक चाप लगा दीजिए। ये देखिए एक लगा दी हमने, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हमने एक चाप लगाया, तो चाप लगाते ही हमें क्या हो गया बेटा, एक पॉइंट मिल गया, वो मिल गया हमें ए पॉइंट। क्या मिल गया, ए पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को ए को यानी कि हम क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। ठीक है जी, हमने मिला दिया सी से। अब बच्चों ये हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन सी हमारी 6 सेंटीमीटर की, ये लाइन दिख रही है जो ए पे हमारी गई है टोटल, ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये 4 डिग्री जो दिख रही है ये हमारी 60 डिग्री का बन चुका है। क्लियर है, अपन बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, सीधी सीधी चीज़ है। पहले यहाँ समझ लेते हैं, 3/4 की बात हो रही है, तो बेटा ये बताओ 3/4 में हम 4 से 3 को डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा। जी हमारा लगभग आ जाना चाहिए, बन से हमारा इतना समझ लीजिए लेस देन आएगा। क्या आएगा, जो भी आएगी वैल्यू उसकी बन से लेस देन आएगी, क्योंकि देखिए 4 से हम 3 में डिवाइड मारेंगे तो हमें पहले पॉइंट लेना पड़ेगा जो कि बन से छोटे में चला जाएगा, तो यानी कि पॉइंट में कोई वैल्यू आनी है वो भी कम, यानी कि बन से छोटी आनी है। तो बन से छोटी आएगी तो आप जानते हैं जो ट्रायंगल हम एक्स्ट्रा बनाएंगे तो वो इस ट्रायंगल के अंदर की साइड बनेगा, है ना, उसका एरिया अंदर की साइड बनेगा। अब हमें क्या करना है, उस ट्रायंगल को अंदर की साइड बनाना है, तो हम सभी जानते हैं सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक अक्यूट एंगल बना लेते हैं छोटा सा नीचे। तो बेटा एक अक्यूट एंगल खींच देता हूँ मैं,
ठीक है, एक अक्यूट एंगल खींच देता हूँ जिससे हम उस एंगल को बना सकें जो हम अभी बनाना चाह रहे हैं। क्लियर है? चलिए ये छोटा सा एक अक्यूट एंगल मैंने ले लिया, कोई भी अपने अकॉर्डिंग, है ना। चलिए लेने के बाद बेटा अब आप सभी जानते हैं कि हमें यहाँ देखना है कि हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी इनमें, थ्री और फोर में मैक्सिमम वैल्यू है हमारी फोर। तो हम क्या करेंगे, नीचे बराबर एक मन से एक चाप ले लेंगे और ये बराबर चार चाप हमें लगाने यहाँ पर, जिससे ना छोटा बड़ा होना चाहिए, याद रखना ठीक है। एक चाप ये लग गया, एक जी लग गया, ये ऐसे बराबर आपको चार लगाने हैं बेटा, याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए एक वेट 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 वेट, जरा सा हिल गया, अब हम जरा सही कर दें इसे। चलो संभाल के करिएगा ठीक है। तो ये चार हमने चाप लगा दिए हैं, चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं बच्चों। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको दे देते हैं V1, इसको दे देते हैं हम बेटा V2, इसे V3, इसे दे देते हैं V4। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई हमारी। अब बेटा आप देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, जैसे ये हमने चाप खींचा तो अब सीधी सीधी बात है आप लोगों को क्या करना है, लास्ट में B4 है ना, B4 को C से मिलाना है। तो क्या करें, फटाफट से B4 को C से मिला दीजिए, थोड़ा सा पेज हिल गया, कोई इशू नहीं है। B4 को हमने क्या करा, C से मिला दिया, ठीक है बेटा। जैसे ही B4 को C से मिलाया तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या नाम है, इसके अंदर चाहिए ना, जो एक्स्ट्रा जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसके अंदर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर वो ट्रायंगल ले लेते हैं, तो अपने मन से एक बराबर एक सिमिलर लाइन बनाते हैं, पैरेलल लाइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक अपने मन से एक आर्क ले लेंगे, तो ले लेते हैं बेटा, है ना। तो ये अपने मन से आप ले लीजिए, क्लियर हो रही ना बात आपको, समझ में तो आ रही है ना बेटा। चलिए जी देखिए, ले ली बेटा ऐसे ही बराबर। हमें क्या करना है, B3 पे रखना है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे 3 और 4 में मिनिमम वैल्यू कौन सी, 3। तो 3 पे हम यहाँ पर रखेंगे ना, तो 3 पे रख के हम एक बराबर एक चाप लगा देते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने ये सब बताया हुआ पहले से, इसलिए अभी मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको मेरे ख्याल से कोई और इशू नहीं होगा। चलिए जी हमने B3 पर रख के कर दिया, इसको ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा क्या इसमें हिलने का डाउट हो सकता है, अदरवाइज वरना दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसका मेज़र कर लेते हैं इस पॉइंट का, इससे। चलिए देख रहे होंगे आप सभी लोग, मेज़र कर लिया अपन ने। मेज़र करने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट को रखना है और एक कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद बेटा यहाँ हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, मिल गया, यहाँ एक पॉइंट मिल गया। तो इसे क्या करना है, B3 से गुजार देना है, यानी B3 से इस पॉइंट से होते हुए जाना है हमें बच्चों, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर है बात अच्छे से। तो चलिए ये गुजार दिया हमने, तो जैसे ही गुजारा तो ये हमें एक पैरेलल लाइन हो गई, जो कि हमें कहाँ मिल रही है, ये BC वाली जो लाइन है ना, इस पे हमें C' पे काट रही है। कहाँ काट रही है बेटा, C' पे, ठीक है, क्लियर है। जैसे हमने ये लाइन बनाई, C' पे काट रही है। अब ऐसे ही सेम टू सेम बेटा हमें एक और लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पर ऊपर, जो C की सिमिलर होगी, ठीक है, बनाइए। चलिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शंस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन। इसलिए फटाफट से करते हैं, बिना ज़्यादा बातें करें, इंट्रोडक्शन वीडियो हमें उसकी जस्टिफिकेशन करनी भी है। चलिए थोड़ा सी से गुजार देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, थोड़ा मैं सी से गुजार रहा हूँ पेंसिल से, तो आप लोग थोड़ा देख के लिखिएगा, क्लियर है। देखिए मैंने थोड़ा सी से गुजारा है, जहाँ मुझे थोड़ा छोटा हो रहा था। अब इस पॉइंट पर रखिए, यहाँ रख के एक है ना लाइन काट दीजिए, जी देखिए, ठीक है, देख के करिएगा, ठीक है। इसका मेजर ले लेते हैं इस पॉइंट पे रख के, चलिए जी मेजर ले लिया हमने इसका, इसको सेम टू सेम यहां रखना है और काट देना, एक कट कर देना है, ठीक है। पहले एक छोटा सा कट हो,
जिससे हम एक पॉइंट बन सके। अब एक क्या करना है, जो कट हुआ है ना बेटा यहाँ पर जुड़ा, तो इसे क्या करना है, इस वाले पॉइंट को इस कट से होते हुए गुजार देना है। क्या करना है, इस कट से होते हुए गुजार देना है। तो फटाफट से गुजार दीजिए। जैसे ही गुजारा तो बेटा यहाँ पर हमें बी ए पर, यानी कि हमें बी ए पर एक और पॉइंट मिल गया ए डैश। क्या मिल गया बेटा, ए डैश। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा जरा नामकरण भी दे देता हूँ। यहाँ पे 60 degree है ना, और ये बेटा अपना ये एंगल दिख रहा है आला, जो कि ये बाहर की साइड से जा रहा है, ये यहाँ से लेके पूरा ए तक का, तो ये बेटा आपका है कितना, 5 centimeter का है ना। इसको लिख देते हैं थोड़ा, जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके। ये वाली पॉइंट लाइन, ये वाली लाइन दिख रही है आपको बेटा, ये पूरी लाइन जा रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये पूरी ये हमारी 6 centimeter की है। क्लियर है, तो ये मैंने आपको बना दी, बनाने के बाद मैंने बनाई है जिससे आपको ये क्लियर समझ में आ सके। क्लियर है, चलो तो बेटा ये मैंने आपको यहाँ पर ये बनाया है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। चलिए थोड़ा सा और एक छोटा सा और कर देता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड करते ही बेटा ये एक पॉइंट रख देता हूँ एक्स, और यहाँ पर इस पॉइंट को दे देता हूँ वाई। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये हमारा जो हमने अभी मेज़र बनाया है बेटा, ये हमारा होता है पूरा, ये पूरा कंस्ट्रक्शन को हमने डायग्राम बना लिया। अब बेटा हम लोग को क्या करना है, इसका कंस्ट्रक्शंस करनी है। तो चलिए फटाफट से हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से फटाफट इसकी कंस्ट्रक्शंस करें। सो गाइस देखिए, मैंने कंस्ट्रक्शंस की आपकी पूरी रचनाएं जो मैंने हैं डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप लिख दी हैं, जिससे आपके समय की थोड़ी बचत हो सके। अब आप देखिए समझ लीजिए क्या है क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा था, हमने करा था कि बी सी लाइन खींची थी 6 centimeter। तो देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी 6 centimeter। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट हमने, दूसरे पॉइंट में क्या करा था, आपको रिमेंबर होगा कि हमने 60 डिग्री का एक एंगल बनाया था जो कि बी ए था। तो देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ अ रे बी एक्स, यहाँ पर देख रहे हैं बी एक्स एक लाइन खींची थी जो 60 डिग्री के एंगल बनी थी, बी एक्स एट पॉइंट बी मेकिंग एन एंगल सी वी एक्स, यानी कि एंगल बी 60 डिग्री का इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड मतलब बेटा ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना। दूसरी, तीसरा पॉइंट, इसको बनाने के बाद हमने क्या करा था, 5 centimeter का एक कट लगाया था। तो देखिए, कट अ लाइन सेगमेंट बी ए, बी ए 5 centimeter फ्रॉम द रे बी एक्स। ठीक है, मतलब बी एक्स पर हमने बी ए जो कि 5 centimeter का एक कट लगाया। फिर हमने ए सी को ज्वाइन करा था, तो देखो ज्वाइन ए सी, फिर लिखाया मैंने थस द एंगल, थस द ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मतलब अब ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल की जो डिमांड थी वो हमारी बन चुका है ए बी सी। अब नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था कि भाई हमें नीचे की साइड अक्यूट एंगल बनाना था। तो देखिए, ड्रॉ अ रे बी बाय, जो एक लाइन हमने अक्यूट एंगल की खींची थी वो वहाँ पर बाय पे ख़त्म होती है। तो हमने लिखा बी बाय एट पॉइंट बी ऑफ बी सी मेकिंग एंगल जी बी बाय थीटा एंड अक्यूट एंगल डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की साइड। ठीक है, जिसमें हमने क्या करा, जिसमें हमने बी सी पर जो बी पॉइंट था वहाँ से हमने एक बी बाय लाइन खींची थी अक्यूट एंगल के लिए। फिर हमने कट इक्वल लाइन सेगमेंट बी बी वन इक्वल बी वन बी टू इक्वल बी टू बी थ्री इक्वल बी थ्री बी फोर फ्रॉम रे बी बाय। हमने क्या करा था, बी बाय रे पर, मतलब बी बाय लाइन पर हमने क्या करा था, इक्वल कट लगाए थे। तो देखिए, इक्वल कट लगाए जिसका नाम मैंने दिया बी वन बी टू बी थ्री बी फोर। तो ये बी बी वन, अगर ये इक्वल कट थे तो यानी कि ये रे हमारी एक दूसरे से इक्वल होंगी, यानी बी बी वन इजिकल्स टू में बी वन बी टू और बी टू बी टू बी थ्री बी थ्री बी टू, ऐसे इस तरीके से क्या एक दूसरे से इक्वल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करा था, बी फोर को सी से ज्वाइन करा था। तो देखिए, ज्वाइन बी फोर सी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करा था बेटा, एक रे बनाई थी। तो ड्रॉ सी डैश बी थ्री, सी डैश बी थ्री पैरेलल सी सी बी वी फोर थ्रो पॉइंट बी थ्री, यानी बी थ्री पर हमने क्या करा था, विच इंटरसेक्ट बी सी एट सी डैश। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, बी फोर को सी से ज्वाइन करने के बाद इसके पैरेलल एक लाइन खींची थी जो कि सी डैश बी थ्री नाम दिया गया था, जिसमें जो कि जो सी डैश है ना वो बी सी पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट, इसको करने के बाद हमने एक और पैरेलल लाइन बनाई थी जो कि ए डैश सी डैश की थी। तो देखिए, ड्रॉ ए डैश सी डैश पैरेलल ए सी थ्रो सी सी डैश विच इंटरसेक्ट ए बी एट ए डैश, यानी जिसके थ्रू हमने बनाई थी वो सी डैश पे बनाई थी, और जो पैरेलल लाइन बनाई
तो वो ए डैश जो थी वो बी ए पर इंटरसेक्ट, सॉरी ए बी या बी ए कह लो, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ऐसे करके एक हमारे ये पूरा डायग्राम प्रिपेयर हुआ। तो हमने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना गाइज। चलिए अब इसकी जो जस्टिफिकेशन है आज हम आपको न्यू पैटर्न पर समझाएंगे कैसे करना है। ठीक है, उसी पैटर्न पर आगे के जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आप लोग करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, हम आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक बार बता रहा हूँ, ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जहाँ हम उसका जस्टिफिकेशन करेंगे। हेलो गाइज, देखिए हमने यहाँ पे एक पेज लगा दिया जिससे क्या है वो आपको क्वेश्चन थोड़ा आधा शो हो रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, आपको मैं जो बताने वाला हूँ उसमें मेरे को डायग्राम की भी आवश्यकता बनेगी, तो डायग्राम अपन यहाँ बना चुके हैं बच्चों, तो इसलिए यार मैंने सोचा कि यार ऐसे एक पेज लगा देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप ढंग से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो हमें जो जस्टिफिकेशन करना है ना बच्चों, तो हमें जस्टिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, नया तरीका जो अपनाने वाले हैं, पहले हम एक ही ट्रायंगल से करते थे, इस बार मैं आपको दो ट्रायंगल बताऊंगा जो कि बहुत बढ़िया है। जैसे कि ऊपर दो ट्रायंगल बन रहा है, नीचे भी दो ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे करके दोनों को अलग अलग निकालेंगे फिर ज्वाइंट कर देंगे। तो क्या करना है, ऊपर दो ट्रायंगल कौन कौन से बच्चों, पहले ये बता दो जरा मुझे ढंग से, हैं। चलो इन ट्रायंगल क्यों कौन से बेटा, हमारे ऊपर ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक मिनट जी, सही है। ठीक है, इन ट्रायंगल कौन कौन से, ए डैश बी सी डैश, सॉरी ट्रायंगल लगाना भूल गया था, एंड ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों देख रहे हो, आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पर ट्रायंगल ए डैश बी बी सी डैश है, एंड ए ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल ए बी सी है। क्लियर है, चलिए तो इसमें हम पहले ऊपर का निकालेंगे फिर नीचे का ट्रायंगल का निकालेंगे। तो पहले देखते हैं इनमें कुछ क्या कॉमन चीज़ें आ रही हैं। तो बेटा इसको करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, हमें निकालना क्या है जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन हमें बेटा निकालना है, एक मिनट देख लीजिए एक बार, जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो हमें वो निकालना है बेटा, बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी इजिकल्स टू में बेटा बी ए डैश अपॉन में बी ए इजिकल्स टू में बेटा ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी इजिकल्स टू में बेटा क्या निकालना है, 3/4। अब आपको समझ में आ सकेगी, यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहे हैं वो नए वाले ट्रायंगल है, नीचे जो दिख रहे हैं वो पुराना ओल्ड ट्रायंगल जो हमारे को डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया था। तो नया वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाले ट्रायंगल में सिमिलैरिटी को मतलब क्या चीज़ बताई गई है जिसके थ्रू 3/4 इनके इक्वल है, तो जी हमें बताना है जस्टिफिकेशन करके। डायग्राम से तो हमने बता दिया, अब जस्टिफिकेशन भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने ट्रायंगल लिया ए डैश बी सी डैश एंड ए बी सी, फिर उसके बाद नीचे वाला लेंगे जिसमें बी बी थ्री सी डैश बी बी फोर सी होगा। ठीक है, पहले इसको ले लेते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, जी ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए डैश सी डैश पैरेलल है किसके, ए सी के, तो आप जानते हैं ये चीज़, तो यानी ए डैश सी पैरेलल है किसके, ए सी के, है क्या नहीं पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो इसकी इसकी जो एंगल है ना करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप बच्चों लिख सकते हैं एंगल ए डैश सी डैश बी इक्वल है एंगल ए ए सी बी के। ठीक है, और रीजन लिखना चाहे तो लिख दीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, गॉट इट। चलिए समझ में आ गई एक बात, तो हमारी एक चीज तो हमारी इक्वल होगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ हम देख रहे होंगे तो ए डैश बी सी डैश और ए बी सी, जिसमें हमारा बी पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं एंगल ए डैश बी डैश सी इजिकल्स टू में एंगल ए बी सी में क्या कॉमन है बच्चों, बी ना, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं रीजन कॉमन है। क्लियर है, जब हमारे दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो भाई साहब जी अपने यहाँ भी क्या हो जाते हैं, इनमें सिमिलैरिटी आ जाती है इन दोनों ट्रायंगल में। तो बेटा आप लिख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल यानी ए डैश बी सी डैश, यहाँ पे बेटा डैश हटा दें, याले पे ये डैश नहीं है, सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। क्लियर है ये बात, और अपन लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि दोनों एंगल सिमिलर है ना। ठीक है, प्रॉपर्टी से
आपने 6th चैप्टर में बीपीटी थ्योरम पढ़ी होगी, तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा एंगल सिमिलैरिटी आ गई है, क्लियर है। और जब एंगल में सिमिलैरिटी आ गई तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ एंगल हमारे क्या हुए, इक्वल हो गए। इक्वल कौन कौन से होंगे, तो आप जानते हो ऊपर वाले एंगल में हम देख लेते हैं कौन कौन से एंगल हमारे इक्वल हैं। देखिए ए डैश बी सी डैश में ए बी सी, इन दोनों में हम देख पा रहे हैं एक तो बी सी डैश अपॉन में बी सी इक्वल हुआ है किसके, बी ए डैश अपॉन में बी ए के, और इक्वल है कौन यहाँ पर ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी के, ठीक है। तो ये इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। क्या मान लिया हमने बच्चों, फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो ले लेते हैं बेटा इन ट्रायंगल बी बी थ्री सी डैश बी बी थ्री सी डैश एंड ट्रायंगल बी बी फोर सी बी बी फोर सी, ठीक है। चलिए एक ट्रायंगल हमने प्रूव करा तो हमें एक चीज़ मिल गया, अब इसको हम प्रूव करेंगे तो यहाँ से भी हम कुछ मिलेंगे इक्वल मिलेगा, और जैसे यहाँ पर जे इक्वल था और जे इक्वल था तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, तो देखिए बच्चों इसमें भी अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बी थ्री सी डैश और बी फोर सी फोर बी फोर सी ये क्या पैरेलल है, और पैरेलल है तो यानी इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी पैरेलल होंगे। तो बच्चों आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए सी डैश बी थ्री सी डैश बी थ्री बी इक्वल है एंगल सी बी फोर बी के, ठीक है। ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, तो आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को करस्पॉन्डिंग एंगल तो समझ में आ ही गए होंगे, जब दो पैरेलल लाइन होते हैं तो उनके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल ही होते हैं, ठीक है। जब ने आपको पिछले क्वेश्चनों में हमने समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जी हो गई। अब दूसरा हम देखें, यहाँ पर जैसे बी कॉमन था तो बेटा यहाँ पे भी तो बी कॉमन आ रहा है, तो सी डैश बी बी थ्री सी बी बी फोर है ना, आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी डैश बी बी थ्री इक्वल है किसके, सी बी बी फोर के इक्वल है सी डैश बी बी थ्री सी बी बी फोर। तो यहाँ पे बी कॉमन है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन है इसी रीजन से इक्वल हो गए। अब जब दो एंगल कोई इक्वल हो जाते हैं तो बेटा वो दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिक आपके सिमिलैरिटी आ जाती है, और किस किससे किस प्रॉपर्टी से, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। तो बेटा आप लिख दीजिए ट्रायंगल बी बी थ्री सी डैश सिमिलर है ट्रायंगल बी बी फोर सी, किस प्रॉपर्टी से, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, जो कि हमने 6th चैप्टर में बीपीटी थ्योरम पढ़ी होंगी तो उनमें थ्योरम में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है गाइस। चलिए तो यहाँ पे हमने जैसे इसको सिमिलर कर दिया तो बेटा इसमें क्या चीज़ हमारी बराबर हो गई है देख लेते हैं। एक तो बेटा हमको मिल गई यहाँ पे बी सी डैश अपॉन में बी सी, कैसे, देखो जे लाइन तो इसमें कॉमन है ना इसलिए इक्वल। एक हमें मिल गई यहाँ पे बी बी थ्री बी बी थ्री अपॉन में बी बी फोर, ठीक है, क्लियर है ये बात अच्छे से आप लोगों को, है ना गाइस। चलिए अच्छा इसमें अब जी देखते हैं, देखो यहाँ तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, ये चीज क्या है, ये दोनों ये भी हमारे एक इनके पैरेलल हैं, तो यानी कि ये बी थ्री और सी डैश और बी फोर और सी है, तो यहाँ पे ये अपॉन में लिख सकते हैं। लेकिन अपॉन में लिखने की जगह हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कट नहीं लगाया गया था बराबर, लेकिन यहाँ तो कट लगाया गया बराबर, तो यहाँ पर हम उसकी नंबरिंग लिख सकते हैं, कैसे, देखिए जैसे बी थ्री सी डैश है यहाँ तक कितने कट है, एक दो तीन, कितने कट है बेटा तीन, तो यहाँ हम ऊपर लिख सकते हैं तीन। चलिए और ये बी फोर वाले में एक दो तीन चार, तो नीचे लिख सकते हैं चार, तो देखिए ये ऑटोमेटिक इक्वल हो गए क्योंकि यहाँ पे इसकी जगह पर हम जी लिख ही सकते थे, लेकिन यहाँ तो नहीं करा गया था ना बच्चों, तो ऐसे में करके क्या हुआ जी इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब देख अब लिखिए बच्चों लास्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड में देखा जब बी सी डैश अपॉन में बी सी इसके इक्वल में और इसके भी इक्वल में, और वही बी सी डैश अपॉन बी सी इसके भी इक्वल में, तो इसका मतलब क्या हुआ थ्री अपॉन के फोर अगर इसके इक्वल में है तो इन तीनों के भी इक्वल में होगा, तो बस लिख दीजिए बेटा बी सी डैश अपॉन में बी सी इक्वल है बी ए डैश अपॉन में बी ए
इक्वल है ए डैश सी डैश अपॉन में ए सी, इक्वल में आ गया 3/4। और जी बेटा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, यानी कि हमें जो प्रूफ करना था बच्चों ये वही चीज़ है, तो जो हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। तो भैया जल्दी से फटाफट हमें कमेंट्स में जरूर बताइए हमने जो एक्सप्लेनेशन की है आपको समझ में आई क्या नहीं। और जाते जाते एक बात और कहूँगा बच्चों कि जो मैंने जस्टिफिकेशन आपको ये समझाया है, आगे आने वाले जो दो क्वेश्चन है 11.1 के 6 एंड 7 सेम टू सेम प्रोसेस ऐसी ही है, तो उसमें आप लोगों को खुद करके देखना है, ठीक है। क्योंकि जी जस्टिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था जी वही मेथड है, इस मेथड से अगर आप सारे सम सॉल्व करते हैं तो जी आपको बहुत ईजी लगेगा, क्लियर है। तो गाइज वीडियो को प्रॉपरली तरीके से समझ लीजिएगा, देन आगे जो क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरीके से आप जस्टिफिकेशन सॉल्व करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगा, केवल डायग्राम और कंस्ट्रक्शन बता दूंगा जिससे आपकी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने, ठीक है। चलिए तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और मन पर रखें विश्वास, रहेगा ऐसे सरस्वती क्लासेस का साथ, एक बार जुड़ के देखिए सक्सेस होगी आपके पास। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।